ये कहानी उन दिनों की है जब रोमा अपने नानी के गांव गई हुई थी। रोमा की नानी घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए स्कूल की छुट्टियां पड़ने की वजह से रोमा की नानी ने रोमा को अपने पास बुला लिया था। रोमा की नानी रोमा को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए रोमा भी बिना किसी संकोच के वहां चली गई। रोमा अपने नानी के घर 5 से 7 दिन ही रही होगी कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वो आज भी उस घटना को याद करके सहम जाती है। तो दोस्तों, उन दोनों रोमा के साथ ऐसा क्या हुआ था, यह जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। रात का समय था, रोमा और उसकी नानी घर के आंगन में ही सो रहे थे कि देर रात रोमा का पेट खराब हो गया, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगी। रोमा ने अपनी नानी को जगाया और कहा कि नानी, मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे शौचालय जाना है। नानी ने कहा, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। रोमा ने मना कर दिया कि आप रहने दो, मैं अकेली ही चली जाऊँगी, क्योंकि रोमा की नानी बहुत ही बुजुर्ग थी, इसीलिए रोमा अकेली ही चली जाती है। जिस खेत में रोमा शौच के लिए गई थी वो खेत घर के थोड़ी ही दूरी पर था और उस खेत के आगे 2 खेतों पार एक शमशान भूमि थी, जिसके बगल में एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें लोग मृतक शरीर की राख बहा देते थे। रोमा शौच के लिए बैठी ही थी कि अचानक ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी में गुड़ुर गुड़ुर कर रहा हो। रोमा को लगा शायद कोई जानवर पानी पी रहा है, लेकिन वो आवाज़ जोरों से बढ़ती ही गई जो रोमा के दिल में डर का माहौल पैदा कर रही थी। रोमा जल्दी से सोच करके उठी ही थी, रोमा के चारों ओर एक सफ़ेद साया तेजी से घूमने लगा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रोमा उसके भयानक चेहरे को देखकर डर से कांपने लगी और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। रोमा उस भयानक चेहरे को देखते ही देखते बेहोश हो गई। रोमा की बूढ़ी नानी रोमा का घर पर इंतजार कर रही थी, मगर जब रोमा 1 घंटे तक घर नहीं आई तो नानी उसे बाहर जाकर आवाज़ देने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोसी उठ गए और रोमा की नानी से पूछने लगे कि क्या हुआ माताजी। रोमा की नानी ने सारी बात बताई और सभी लोग रोमा को ढूंढने लगे। रोमा के मिलते ही नानी घबरा गई कि कहीं रोमा मर तो नहीं गई, मगर उन्हीं लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने रोमा को होश में लाया और फिर पूछा, क्या हुआ तुम्हें, कि तभी रोमा ने शमशान भूमि के पास बने तालाब की ओर इशारा किया और सारा हाल सुनाया, जिसे सुनकर सभी लोगों के शरीर कांपने लगे कि तभी वो सभी लोग रोमा को जल्दी से घर ले आए ताकि वो बुरा साया रोमा पर कहीं दोबारा हावी ना हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।